अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू सुधरा अता चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डलनेस का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि हमारे फेस के ऊपर अगर डलनेस आ गई है, वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो उसके कई वजूहात हो सकती हैं, बाज़ दफ़ा हम अपने फेस की केयर नहीं करते हैं उस वजह से भी, और कुछ ऐसा अप्लाई कर लेते हैं जो हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देते हैं, और ये कुछ मौसमी भी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जी 3 डेज चैलेंज करेंगे। अगर आप इसको 3 दिन अप्लाई करते हैं तो जो डलनेस है काफ़ी हद तक तो कम हो जाएगी, लेकिन आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो आपका फेस शाइन करेगा, ग्लो करेगा, डलनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इवन कि अगर आपके फेस के ऊपर सन टैनिंग है या कोई भी प्रॉब्लम है, ये उसको भी ट्रीट करेगा साथ साथ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ये कौन सा जो है चैलेंज हमने करना है। तो उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस चैलेंज को करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी अपने किचन में। अगर कुछ मुश्किल हुआ भी तो आसानी से आपको पंसार शॉप से वो मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो इन्ग्रीडियंट है वो है जी ये बेसन। बेसन आपको पता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और ये सदियों से ही यूज़ होता आ रहा है। ये हमारी स्किन के ऊपर जो डलनेस होती है उसको रिमूव करता है, दाग धब्बों को भी ये काफ़ी हद तक कम करता है, इवन कि ये एक्नी को भी कम करता है। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है जी ये ड्राई मिल्क, यानी कि खुश्क दूध। ये भी आपको इजीली 10-20 रुपए का जो सैशे मिल जाता है, आपने ले आना है। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये वाइटनिंग प्रोवाइड करने में और ग्लो देने में काफ़ी हद तक ये मदद देता है। तो उसके बाद जो हमारा ये इंग्रेडिएंट है ये है जी रोज़ पेटल पाउडर है। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो ड्राई रोज़ पेटल आपको मिल जाएंगे, आप इसको ला के इसका पाउडर बना के रख लें, तो ये पैक के लिए ये जो अहम करदार अदा करेगा, हमारी स्किन को शाइनिंग देगा, उसके बाद जो सन टैनिंग होती है उसको रिमूव करेगा, डलनेस को भी ये कम कर देगा। तो लास्ट जो इंग्रेडिएंट है लेमन। लेमन आपको पता है ये ब्लीचिंग इफेक्ट देता है हमारी स्किन को, और ये ब्लीचिंग एज को अप्लाई करना लाजमी है। तो इसके लिए हम बेसन ले लेंगे 1 टेबल स्पून, उसके बाद ड्राई मिल्क भी हम 1 टेबल स्पून ले लेंगे, और ये जो रोज़ पेटल है तो ये भी हम 1 टेबल स्पून ले लेंगे, तो 1/2 लेमन। तो इधर मैं इसको पैक बनाने के लिए रोज़ वाटर यूज़ करने लगी हूँ। आप चाहें तो इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है या आपका दिल करे वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अच्छी तरह से इसे पैक बना लेना है। देखें जी ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से, आप इसे अप्लाई कर लेना है। तो अप्लाई करने के बाद आप इसको थोड़ी देर मसाज अपने फेस के ऊपर करेंगे, स्किन के ऊपर अगर कोई भी डफनेस है या डलनेस है वो दूर हो सके। तो ये देखें जी लगाए हुए इसको 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, और साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मसाज कर लूँगी, तो फिर मैं वॉश कर लूँगी। फर्स्ट यूज़ में ही इसने कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया है, देख सकते हैं आप, वाजिया फ़र्क है। उसके बाद मुझे अपनी जो स्किन है वो सॉफ्ट और स्मूथ भी फील हो रही है। तो आपने इसी तरह इसको अप्लाई करते जाना है, तो रिज़ल्ट आपने खुद अपनी आंखों से देखते जाना है। तो इसको हर कोई अप्लाई कर सकता है, आप इस टीन एज वाले गर्ल्स और बॉयज़ हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छी लगी आज की वीडियो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, बहुत सा शेयर कर दे, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।